सोलन के बसाल में स्थित हिमुंडा द्वारा बनाए गए फ्लैट बिकने से पहले ही टूटने की कगार पर आ चुके हैं। हिमुंडा कुछ फ्लैट तो बेच चुकी है, लेकिन जो बचे हुए फ्लैट हैं वो अपनी बदहाली पर आंसू रो रहे हैं। ज्यादातर फ्लैटों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं तो कुछ की नींव बैठने लगी है। यही कारण है कि इन फ्लैट्स की स्थिति देखकर जो फ्लैट खरीदने भी आता है वो उनकी दुर्दशा देखकर उसे नापसंद कर देता है। लेकिन अधिकारी हैं कि फ्लैट्स बनाकर उनकी मुरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर दिनेश वर्मा ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि बेशक फ्लैट्स में दरारें आ चुकी हैं, लेकिन फ्लैट्स पूरी तरह से महफूज हैं। उन्होंने बताया कि 32 फ्लैट 2014 में बनकर तैयार हो गए थे, जिसमें से वह अभी तक 7 फ्लैट बेचने में कामयाब हो पाए हैं और उम्मीद है कि वह जल्द ही बाकी फ्लैट के लिए भी खरीदार मिल जाएंगे। ऐसा तो कुछ नहीं, दरारे वगैरह जो है वो प्लिंथ लेवल से नीचे है, क्योंकि थोड़ा बहुत टंगा था वो थोड़ा बैठ गया है, बाकी एज पर स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फ्लैट्स इंटैक्ट हैं, बिल्कुल सही है। ये 32 फ्लैट्स हैं, उसमें से हमारे 7 फ्लैट्स तो बिक चुके हैं अभी, जो है जो अभी तक नॉलेज है जो इस ऑफिस में हमारे पास आया है पोजेशन का, बाकी भी चल रहा है क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। दरारें तो नीचे जो प्लिंथ लेवल है उसके नीचे थोड़ा सा सेटल हो गई जमीन, वो थोड़ा डंगा है वो बैठा है, बाकी वह गिरने का कुछ नहीं है उसमें, क्यों स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। उल्लेखनीय है कि हिमुंडा के फ्लैट्स बाजार से करीबन आधे दामों पर उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदार उन्हें खरीदने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं और निजी बिल्डरों के फ्लैट अधिक कीमत होने के बावजूद भी आसानी से बिक रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लग रहा है और अधिकारी टांग पर टांग रख चैन की नींद सो रहे हैं।